हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को कौन कौन सी आईटीआई के ट्रेड में आईटीआई करना है एलपी पोस्ट के लिए, मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आप लोगों को सबसे पहले मैट्रिकुलेशन करना होगा, उसके बाद आप लोगों को आईटीआई करना होगा। अगर आईटीआई आप वहीं से करेंगे, उसी इंस्टीट्यूट से करेंगे जहाँ एनसीबीटी या एससीबीटी से एफिलिएटेड होना चाहिए, तभी आप लोगों को मान्यता दी जाएगी और तभी आप लोग एलपी पोस्ट में फॉर्म भर पाएंगे। एनसीबीटी या एससीबीटी से मतलब एफिलिएटेड होना चाहिए, तभी उसको वैल्यू माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से ट्रेड में आईटीआई कर सकते हैं। उन ट्रेडों के नाम देखिए जो एलपी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। देखिए, आर्मेचर एंड कोइल वाइंडर में आप आईटीआई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन में कर सकते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में कर सकते हैं, फिर फिटर में कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी ट्रेड है, हीट इंजन में कर सकते हैं, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग मैकेनिस्ट में कर सकते हैं और फिर मैकेनिक डीजल में कर सकते हैं, जो कि इसका कोर्स ड्यूरेशन 1 साल की है, तो ये काफ़ी अच्छा है। मैकेनिक मोटर व्हीकल में कर सकते हैं, मिल राइट एंड मेंटेनेंस मैकेनिक में कर सकते हैं, उसके बाद मैकेनिक रेडियो एंड टीवी में कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक में कर सकते हैं, फिर ट्रैक्टर मैकेनिक में कर सकते हैं, टर्नर में कर सकते हैं, वायरमैन ये इसमें भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो भी ट्रेडों के नाम बताया हूँ, ये सारे ट्रेड आपके एलपी पोस्ट के लिए वैल्यूएबल है, तो आप लोग इन ट्रेडों में किसी में भी आईटीआई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को सारा ट्रेडों के नाम बता दिया, तो आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए ताकि मैं और भी आगे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लाऊंगा फॉर एलपी पोस्ट और टेक्नीशियन के लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, राकेश व्लॉग्स, और लाइक एंड शेयर करिए। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को सारे ट्रेडों के नाम बता दिया है और आप इसी ट्रेड में कोई भी ट्रेड में आईटीआई कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को शेयर एंड लाइक्स ज़रूर करिएगा। थैंक यू।